पैदा होता है। तो यही हमारे संत रविदास जी और अंबेडकर साहब का ये मूल सिद्धांत है। इसलिए आप लोग ये मनुवादी व्यवस्था में जो आपका दिमाग को गुलाम बना दिया है, सबसे पहले मैं माता एवं बहनों सभी को अनुरोध करता हूँ कि जो है सो आप ये मनुवादी व्यवस्था जो आपके दिमाग में धर्म नाम का उन्माद फैला दिया है, इसको हटा दीजिए। आपके घर में बच्चा पैदा होता है, चलो पंडित जी के घर में, तो क्या हुआ बाबा, तो बेटा हुआ, तो बेटा का नाम क्या रखे, हगनमा रख दो, सजनमा रख दो, मुतनमा रख दो, इसके बाद इसके ऊपर सतैसा हो गया है, उसके बाद शनिचरा ग्रह लग गया है, यानी सारा जीवन आपके पैसे को लूटते रहेगा, आपका जमीन रचवाते रहेगा। अरे मैं मूर्ख क्यों रहूं, मैं मूर्ख क्यों रहूं, आज एक किस्मी सदी है, बदलने का टाइम है। बच्ची भी पढ़ी लिखी है, लड़का भी पढ़ा लिखा है, सारे के सारे पढ़े लिखे हैं, मैं तुम्हारे बात को क्यों मानूं? मेरे कौम में क्या मेरे कौम में क्या मर गया, मेरे कौम में क्या विद्वान नहीं था? आज जो है इब्राहिम लिंकन से देखिए, इब्राहिम लिंकन चमार था, मार्क्स चमार थे, स्टालिन चमार था, संत शिरोमणि चमार थे, बाबा साहब चमार थे, सारे तो चमार हैं, वो किसी से कम कहाँ है। इसलिए मनुवादियों का जो धर्म है, मैं सबों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग जो मनुवादी का जो धर्म है उसको जड़ से खारिज कर दें, हटा दें, और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर, पेरियार साहब के बताए हुए रास्ते पर, संत रविदास के बताए हुए रास्ते पर चल कर करके जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो जो बौद्ध धर्म का जो रास्ता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे देश में 1956 में कहा था कि मैं यदि जिंदा रहूं तो 1960 तक पूरे देश में बौद्ध मैं बना दूंगा, ना कोई बाबा रहेगा ना कोई मनुस्मृति रहेगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके सारे किताबों को मनुस्मृति को जला डाला था। तो साथियों आज वही दिन है शपथ लेने का, सिर्फ यहाँ रविदास की बात सुन करके चले जाए और रविदास के विचारों पर नहीं चले तो यह अन्याय होगा रविदास के साथ, यह अन्याय होगा अम्बेडकर के साथ। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि किसी भी हालत में आपके घर में जो बच्चा है वो पढ़े लिखे, उसको पढ़ाने लिखाने का काम करें, और कभी भी ब्राह्मणों को घर में नहीं बिठाने का काम करें। यदि आपका यदि कोई देश में आपका यदि दुश्मन है तो वो एकमात्र 3% ब्राह्मण है। आप समझ सकते हैं कि 3% ब्राह्मणों को ये मनुवादी के लोगों ने 10% आरक्षण दे दिया, और हम 85 के लोग हैं, 85% लोग हैं, मेरे लिए 22.5% 27% क्या है, बपोती पालिए हो तो रोड पर नहीं उतरेंगे, मारेंगे नहीं जूता, तो जूता मारने का टाइम आ गया है, रोड पर उतरने का टाइम आ गया है। और जो कोम रोड पर नहीं उतरेगा, आंदोलन नहीं करेगा, उसका मुक्ति मिलने वाला नहीं है। मैं इतना ही